साथियों, कांग्रेस कैसे काम करती है इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक एक चीज याद रखिए, भूलना मत। 50 साल से ज्यादा हो गए जब कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात कही थी। जब भी आओ गरीबी हटा के नारे लगाओ, गरीबी हटाओ नारे लगाओ, वादा करना, और लोग भी मानते थे हाँ यार गरीबी जाएगी। चुनाव होते गए गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस सरकार बनाती गई, लेकिन देश से गरीबी नहीं हटी। झूठे वायदे करना, झूठी गारंटी देना, ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही, इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें आप निकाल करके देख लीजिए, 2012 में उनके जो वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था, एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया, आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं। खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र उन्होंने, जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं। भाइयों बहनों, दिन रात खपा देते हैं। भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया, लिया था ना, पूरा किया कि नहीं किया, पूरा किया कि नहीं किया। भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों, इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? साथियों, भाजपा के संकल्पों की सिद्धि का एक और उदाहरण, ये तो हमारी वीरों की भूमि है, हर परिवार फौजी परिवार है, हर घर हिंदुस्तान के सुरक्षा का किला है। अब देखिए, वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा उदाहरण है, वो कांग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है। कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी। आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे वन रैंक वन पेंशन, बस आ जाएगा चुनाव जीता दो, आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितनी बार वादे करके गए, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी वे कभी भी वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया। और दिखावे के लिए बजट में मामूली 100, 200, 300 करोड़ रुपए डाल देते थे और लिख देते थे, लेकिन इससे होना नहीं था। ये आंख में धूल झोंकने की उनकी आदत, झूठे वादे करना, चुनाव जीतना फिर भूल जाना, यही उनका चरित्र। हिमाचल में हर बार वो झूठ बोलते रहे, देवभूमि में झूठ बोला है, देश की वीर माताओं के सामने झूठ बोला,
देश के वीर जवानों के सामने झूठ बोला। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल में आया था 2014 में, चुनाव में आपके वोट मांगने के लिए आया था। और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था, मैं जानता हूं मामला बहुत बड़े धन का है, धन खर्च करना पड़ेगा, तिजोरी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन ये वादा मैं पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? वादा 40 साल तक उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया, हमने वादा किया 5 साल के भीतर पूरा कर दिया था। भाइयों, जुबान की कीमत होती है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाइयों, वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए। भाइयों, 60,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप ध्यान दीजिए साथियों, क्या कांग्रेस सरकार होती तो ये 60,000 करोड़ रुपया मेरे फौजी परिवारों के घर में आते क्या? फौजी परिवारों के विधवाओं के घर में जाते क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी वन रैंक वन पेंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती है।